वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंसिव पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के बेसिकली दो पाथवे होते हैं, एक होता है इंट्रेंसिक और एक होता है एक्सटेंसिक। इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक्सटेंसिक वाला जो पाथवे होता है वहां पे जो सिग्नल्स है वो आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स। क्या करते हैं, सेल सरफेस या फिर डेथ रिसेप्टर्स होते हैं या फिर सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ बाइंड करके देन एपोप्टोसिस करते हैं। लेकिन इन जो इंट्रेंसिक पाथवे होते हैं एपोप्टोसिस के, उनके अंदर जो वहां पे इंट्रा सेलुलर एक तरह से एपोप्टोसिस या फिर सिग्नल्स भेजे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से, साइटोक्रोम सी रिलीज किया जाता है एंड देन एपोप्टोसिस होती है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे एक्सटेंसिक पाथवे डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस का, एंड अपकमिंग वीडियो के अंदर इंट्रेंसिक पाथवे डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस का। तो एक्सटेंसिक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स आते हैं और इसको डेथ रिसेप्टर पाथवे भी बोला जाता है। ठीक है, डेथ रिसेप्टर पाथवे इसको बोला जाता है, यानी कि यहाँ पे सेल सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे उनके थ्रू यहाँ पे लिगिन बाइंड करके एपोप्टोसिस स्टार्ट करेगा। अब इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें आएंगी, यहाँ पे कुछ डोमेन्स होते हैं, इसके अलावा एक लिगेंड होता है और एक रिसेप्टर होगा। ठीक है, लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड आएगा एंड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, देन वहां पे क्या करेगा, एपोप्टोसिस स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये किलर लिम्फोसाइट्स है जिसके अंदर यहाँ पे ये जो लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड को डेथ लिगेंड यहाँ पे बोलते हैं एंड ये लिगेंड होता है, एक एग्जांपल इसका FASL लिगेंड होगा। ठीक है, FAS का मीनिंग होता है यहाँ पे फैटी एसिड सिंथेटेज, L4 लिगेंड यहाँ पे हो जाएगा, तो ये होता है यहाँ पे डेथ लिगेंड। इसके बाद सेकेंड यहाँ पे आता है रिसेप्टर, दैट इज सेल सरफेस रिसेप्टर। अगर हम इस लिगेंड की बात करें FASL की, तो ये जो FASL है ये एक होमोट्राइमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ठीक है, होमोट्राइमेरिक तीन यहाँ पे इसकी यूनिट्स है, तो एक होमोट्राइमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर ये कुछ मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोट्रूड कर रहा है, तो ये क्या होता है, एक होमोट्राइमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि एक्सप्रेस्ड होता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर एंड नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक किलर लिम्फोसाइट ली है, तो जो यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, वो क्या करती है, वो इस लिगेंड को कंटेन करती है और ये होमोट्राइमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन लिगेंड होता है। अब ये जो लिगेंड है ये क्या करेगा, एक रिसेप्टर से बाइंड करेगा। अब रिसेप्टर क्या होगा, यहाँ पे रिसेप्टर जैसे सेल सरफेस रिसेप्टर होगा जिसका एक एग्जांपल होता है FAS यानी कि फैटी एसिड सिंथेटेस। तो ये डेथ रिसेप्टर होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर इसको बोलते हैं, डेथ रिसेप्टर इसको बोलते हैं। ये TNF फैमिली का यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस जो यहाँ पे फैमिली होती है उसका ये एक मेंबर होता है एंड इसके अंदर एक DD यानी कि डेथ डोमेन होता है। ठीक है, इसके अंदर DD यानी कि डेथ डोमेन होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें जो FAS है, इसके पास ये DD डोमेन होता है। ठीक है, FAS के पास DD डोमेन यहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें इस FAS की, तो इस FAS के अंदर यहाँ पे DD डोमेन यानी कि ये वाले, ये जो डोमेन की हम बात कर रहे हैं, ये DD डोमेन यहाँ पे इनके अंदर ये पाया जा रहा है। तो ये हो गए यहाँ पे FAS यानी कि सेल सरफेस या फिर डेथ रिसेप्टर के बारे में। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, जब ये लिगेंड जब इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है, लिगेंड जब रिसेप्टर से यहाँ पे बाइंड करेगा, तो यहाँ पे एक अनदर एक अडेप्टर प्रोटीन जिसका नाम है FADD, ठीक है, FADD उसकी रिक्रूटमेंट होगी। और इस FADD के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इसके पास एक DED और एक DD यानी कि एक डेथ डोमेन और एक डेथ इफेक्टर डोमेन, दो डोमेन होते हैं। ठीक है, FAD क्या होता है, फैस एसोसिएटेड प्रोटीन विद डेथ डोमेन, डेथ डोमेन इसके अंदर होता है एंड एक डेथ इफेक्टर डोमेन होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो FAS है एंड ये जो FADD है इनके बीच में इंट्रैक्शन होती है वाया दिस डेथ डोमेन।
ठीक है, इस डेथ डोमेन के थ्रू इनके अंदर क्या होगी, FADD एंड FAS के बीच में इंट्रैक्शन होगी। अब इस इंट्रैक्शन होने की वजह से यहां पे क्या है, यहां पे नेक्स्ट प्रोकैस्पेस 8 रिक्रूट किया जाएगा। अब ये प्रोकैस्पेस 8 एंड कैस्पेसिस के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस किया है। दो टाइप के कैस्पेसिस होते हैं, एक होता है यहां पे अगर हम एपोप्टोटिक कैस्पेस की बात करें, एक इनिशिएटर कैस्पेसिस होते हैं, एक एग्जीक्यूशनर कैस्पेसिस होते हैं। तो इनिशिएटर कैस्पेसिस की अगर हम बात करें तो इनिशिएटर के अंदर आते हैं 2, 8, 9 एंड 10 एंड जो एग्जीक्यूशनर है, ठीक है, आई फॉर इनिशिएशन इनिशिएटर हो गया एंड एग्जीक्यूशनर के अंदर आता है 3, 6 एंड 7। तो ये होते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूशनर, और जो बच गए हैं 12 में से वो होते हैं इन्फ्लामेटरी कैस्पेसिस। तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा, यहां पे कैस्पेस प्रोकैस्पेस 8 रिक्रूट कर दिया जाएगा जो क्या है, इनिशिएटर कैस्पेस है। तो यहां से इनिशिएटर कैस्पेसिस का जो पाथवे है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड ये भी किसके थ्रू होता है, ये होता है यहां पे इस डीईडी डोमेन के थ्रू, ठीक है, इस डीईडी डोमेन के थ्रू होता है। एंड जब ये प्रोकैस्पेस 8 आ जाता है तो और ये FADD ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसको बोला जाता है डिस्क, DISC कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसका मीनिंग यहाँ पे होता है डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डेथ को ये सिग्नल डेथ को इंड्यूस कर रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, डेथ सिग्नलिंग इंड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो कि डेथ को इंड्यूस करता है। तो ये प्रोकैस्पेस 8 जो है फिर ये एक्टिव होके कैस्पेस 8 के अंदर आ जाएगा एंड देन यहाँ पे क्या होगा, ये कैस्पेस 8 एक्टिव होने के बाद एग्जीक्यूशनर जो पाथवे है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर एग्जीक्यूशनर कैस्पेसिस पाथवे स्टार्ट हो जाएंगे जो कि प्रोकैस्पेस 3 को कैस्पेस 3 के अंदर कन्वर्ट कर देगा एंड देन जो कैस्केड है एपोप्टोसिस का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है यहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ द एपोप्टोसिस के अंदर। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी टारगेट सेल की, टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिससे यहां से कुछ किलर लिम्फोसाइट्स या फिर नेचुरल किलर सेल्स से क्या होगा, कुछ यहाँ पे लिगेंड रिलीज होंगे। ये लिगेंड क्या करेंगे, इस डेथ रिसेप्टर या फिर FAS से बाइंड करेंगे एंड ये रिक्रूट करेंगे FADD को एंड FADD से जो FAS है ये इस DD यानी डेथ डोमेन के थ्रू इंट्रैक्शन करता है एंड देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और ये जो FADD है ये एक अडेप्टर प्रोटीन होता है, दैट इज FAS एसोसिएटेड प्रोटीन विद डेथ डोमेन। एंड इसके बाद यहाँ पे प्रोकैस्पेस 8 को रिक्रूट किया जाता है एंड ये जो FADD एंड प्रोकैस्पेस 8 है ये एक डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देन यहाँ पे कैस्पेसिस का जो इनिशिएटर कैस्पेसिस के जो पाथवे हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं एंड ये कैस्पेस 8 के अंदर, देन कैस्पेस 8 से प्रोकैस्पेस 3, यहाँ पे कैस्पेस 3 के अंदर प्रोकैस्पेस से ये कैस्पेस 3 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा एंड देन एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गए यहाँ पे एक्सट्रेंसिक पाथवे, बिल्कुल आसान सा पाथवे है। इसके अलावा ये प्रोकैस्पेस 8 के अंदर हमने बात की थी, यहाँ पे इसके पास DED यानी कि डेथ रिसेप्टर डोमेन होता है यहाँ पे, ठीक है, प्रोकैस्पेस 8 के पास डेथ रिसेप्टर डोमेन होता है तो ये इसे डेथ रिसेप्टर डोमेन के थ्रू ही इंट्रैक्शन करता है। तो ये हो गए यहाँ पे एक्सट्रेंसिक पाथवे या फिर इसको डेथ रिसेप्टर पाथवे बोलते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रेंसिक पाथवे के बारे में। इंट्रेंसिक जैसे कि ये पाथवे जो है ये होता है इस DISC या फिर डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू, वैसे ही इंट्रेंसिक पाथवे जो है उसके अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोला जाता है एपोप्टोसोम, उसके थ्रू इंट्रेंसिक पाथवे चलता है एपोप्टोसिस का जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।